हेलो स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग की दूसरी वीडियो में आज हम एक और पैसेज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर ए सीरीज का है जो पिछले साल आया था, तो इसमें जो पैसेज आपको नोट मेकिंग के लिए आया था आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो पैसेज है उसको आपने केयरफुली पढ़ना है। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि इसको आपने केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेयर एवर नेसेसरी, सप्लाई अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो इस पैसेज को पढ़ के आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और नोट्स में आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करना है। आपने जो है वो एब्रीविएशंस भी यूज करनी है, जहाँ पे आपको नेसेसरी मीन्स जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप एब्रीविएशंस का भी यूज करेंगे। और आपने एक इस पैराग्राफ का जो है उसको एक सूटेबल जो है वो टाइटल भी देना है। और क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका, उसमें राइट अ ब्रीफ समरी, तो आपने इसकी एक समरी भी लिखनी है। तो नोट मेकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 मार्क्स का है और जो समरी है वो आपको 2 मार्क्स की आएगी। तो अगर हम बात करें इस पैसेज की, तो इस पैसेज में जो है वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में ये पैराग्राफ है। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो यही इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का जो है वो यहाँ पे मेन थीम है। तो मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, आप भी इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है वो किस बारे में है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही जो नोट मेकिंग है वो तैयार कर ली है, तो एक एक करके हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम हेडिंग का जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हेडिंग है, जैसे कि ए इफ़ेक्टिव लिसनिंग पहला हेडिंग है, बी वाई द लिसनर्स फेल्स और रीजंस फॉर फेलियर ऑफ इन कम्पिटेंट लिसनर्स। ये दोनों में से आप कोई भी हेडिंग का यूज कर सकते हैं। वैसे ही हेडिंग नंबर 3rd या सी हेडिंग जो है, कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय और कंसंट्रेशन नीड्स, इन दोनों में से आप किसी भी हेडिंग का यूज कर सकते हैं और ये इसके सब हेडिंग है। और हेडिंग नंबर 4th जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर और सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्चर, तो इन दोनों में से भी आप कोई भी जो है वो हेडिंग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एब्रीविएशन जो मैंने यूज़ की है। तो देखिए, जैसे ही आप पहला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफ़ेक्टिव लिसनिंग, इट टेक्स एनर्जी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हियरिंग वट हैज़ बीन हियर्ड। तो ये पैराग्राफ जो है पहले ही मैंने आपको जैसे बताया कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में है, तो हम पहला जो हमारा हेडिंग आएगा वो आएगा इफ़ेक्टिव लिसनिंग, और इसके अंदर जो पहला पॉइंट बनेगा वो है इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड फॉर इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफ़ेक्टिव लिसनिंग, तो इफ़ेक्टिव स्पीकिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इफ़ेक्टिव लिसनिंग के ऊपर। तो हमने यहाँ पे इफ़ेक्टिव लिसनिंग में पहला पॉइंट क्या बना दिया कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या रिक्वायर्ड है इसके लिए, फॉर इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट है टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में ये देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है CONCN, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंट और यहाँ पे CONCN कंसंट्रेट यहाँ पे पूरा लिख दिया। तो ये देखिए सेकेंड पॉइंट आ गया टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे
तो ये देखिए इट टेक्स एनर्जी टू, अब तीसरा पॉइंट है नीड कंसंट्रेशन। तो जब आप इस पैराग्राफ को पूरा करेंगे और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, वहाँ पे देखिए द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स कि इफेक्टिव लिसनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी जो फर्स्ट की है वो क्या है, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन तो नीड्स कंसंट्रेशन, इसलिए हमने यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया कि इफेक्टिव लिसनिंग नीड्स कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारा पहला हेडिंग। अब चलते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ। तो दूसरा हेडिंग जैसे कि हमने बनाया है व्हाई द लिसनर्स फेल्स और रीजंस फॉर फेलियर ऑफ इनकम्प्लीट लिसनर। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट की मैंने ये देखिए एब्रीवेशन यूज़ की। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से पढ़ते हैं तो ये देखिए इनकम्प्लीट लिसनर्स फेल इन नंबर ऑफ, तो यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसने रीजंस दिए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रीजंस फॉर फेलियर ऑफ इनकम्प्लीट लिसनर्स, कि एक इनकम्प्लीट लिसनर जो है वो किन किन कारणों से जो है वो फेल हो जाता है। तो इसका भी एक आप हेडिंग जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है व्हाई द लिसनर्स फेल्स और रीजंस फॉर फेलियर ऑफ इनकम्प्लीट लिसनर। तो इस दोनों हेडिंग में से आप कोई भी हेडिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला इसमें सब हेडिंग आ गया कि देयर, कि कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण जो है वो रीड लिसनर जो है वो फेल होता है। पहला रीजन ये देखिए देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि रीजन्स क्या क्या हैं, फर्स्टली देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, कि जो स्पीकर है कहने वाला जो कह रहा है वहाँ से उनकी अटेंशन जो है एकाग्रता जो है वो ड्रिफ्ट कर जाती है, ध्यान जो है उनका भटक जाता है। इट मीन्स, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ से उठा लिया कि देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स। तो पहला हमारा सब हेडिंग आ गया देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स। अब सेकंड सब हेडिंग की बात करें हम तो सेकंड रीजन है वो है फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही पढ़ेंगे सेकंडली दे फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू वट एवर अ स्पीकर इज सेइंग। तो यहाँ से हमने फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे सेकंड हमारा सब हेडिंग आ गया। थर्ड है दे एक्सक्लूड सम पार्ट्स ऑफ मैसेज। यहाँ पे देखिए ये आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया कि दे एक्सक्लूड फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग दोज पार्ट्स ऑफ द मैसेज विच डू नॉट रेडली फिट इन देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन दी हुई है लेकिन हमने पूरी लाइन जो है इसको नहीं लिखना होता, जैसे कि नोट्स में हमें मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं। तो मैंने यहाँ से देखिए ये उठाया है दे एक्सक्लूड द मैसेज, और यहाँ पे लिख दिया है दे एक्सक्लूड सम पार्ट्स ऑफ मैसेज। तो यहाँ से हमारा जो दूसरा हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले ही जो स्टैंजा है, पहला ही जो पैराग्राफ है उसमें ये हमारे दो हेडिंग जो है वो बन गए। फिर यहाँ पे अगर आप तीसरे ये दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें से भी आप एक हेडिंग जो है वो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये इफ अ लिसनर पॉजिटिवली विशेज टू कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग अ मैसेज ही हिज चांसेस ऑफ सक्सेस आर रिच। तो यहाँ से भी बन सकता है लेकिन अब मैंने जो थर्ड हेडिंग जो बनाया वो बनाया है कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय, कि कंसंट्रेशन को कौन कौन सी चीज़ें जो है को कंसंट्रेशन में हेल्प करती हैं और कंसंट्रेशन नीड्स, की कंसंट्रेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हमें होती है। तो ये देखिए यहाँ से भी एक जो है वो हेडिंग बन सकता है लेकिन मैंने यहाँ से बनाया है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास अगर 3 हेडिंग होंगे तो वो सफिशिएंट है। तो यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय अलर्टनेस, मीन्स जब आप अलर्ट रहेंगे तभी आप जो है वो क्या हो सकते हैं, कंसंट्रेशन लेवल आपका ज़्यादा हो सकता है और आप कंसंट्रेट किसी चीज़ पे कर सकते हैं। तो मेंटल अलर्टनेस इज हेल्प्ड बाय फिजिकल अलर्टनेस। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट जो है वो मैंने क्या लिख लिया है कि कंसंट्रेशन नीड, कंसंट्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है। ये देखिए इन दोनों हेडिंग में से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मेंटल अलर्टनेस, कि कंसंट्रेशन जो है वो हमारी किससे बढ़ेगी, जब हम मेंटली जो है अलर्ट रहेंगे। सेकंड पॉइंट हमने क्या बनाया है यहाँ पे पीएच बाय, मीन्स यहाँ पे क्या है फिजिकल। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच बाय की फुल फॉर्म फिजिकल एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं।
तो यहाँ पे फिजिकल अलर्टनेस और कंसंट्रेशन के लिए क्या जरूरी है, फिजिकल अलर्टनेस भी जरूरी है। और थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बनाया वो अपना है पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी लिम्ब्स एंड हेड। तो यहाँ पे जब आप ऐसे आगे जब इसको पढ़ेंगे तो ये देखिए, इट इज़ नॉट सिंपली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी द लिम्ब्स एंड द हेड। मीन्स कि कॉन्सनट्रेट करने के लिए आपकी जो बॉडी की पोजिशनिंग है, लिम्ब्स मतलब कि आपकी जो लेग्स और आर्म्स हैं उनकी पोजिशन, और जो आपका हेड है उसकी पोजिशन भी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड हेडिंग है उसको जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें हम फोर्थ हेडिंग की, तो ये जो लास्ट आपका पैराग्राफ या स्टेंजा जो है फिफ्थ, इसमें से ना पोस्चर की बात की है। पोस्चर का मतलब कि आपका जो बैठने का या खड़े होने का जो तरीका होता है उसको हम पोस्चर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ जो हेडिंग है वो बनाया है इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर और सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्चर IMP, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही इसकी फुल फॉर्म यूज़ कर ली है, एब्रीवेशन यूज़ कर ली है, तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इसको जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्चर अगर इसका हेडिंग बनाते हैं तो आपको जो है वो सिग्निफिकेंस की एब्रीवेशन यूज़ करनी पड़ेगी, SIG, यहाँ पे पूरा गया सिग्निफिकेंस। तो ऐसे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें ये देखिए, पहला हमने जो पॉइंट लिया है कि पोस्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस का मतलब दोनों का एक ही होता है। पहला पॉइंट है कि पोस्चर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पोस्चर टू इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से मैंने हेडिंग उठाया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्चर। ये देखिए यहाँ पे आ गया कि कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ आई क्लास लेस कम्पिटेंट लिसनर हु, ये तो कंपैरिजन बताया है इसने दोनों के बीच। लेकिन ये देखिए, एन अपराइट पोस्चर हेल्प्स अ लिसनर्स कंसंट्रेशन। तो पहली बात आ गई कि जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ गया अपराइट पोस्चर। और सेकंड पॉइंट देखिए, हेल्प्स द लिसनर इन कंसंट्रेशन, कि जो ये अपराइट पोस्चर है, जैसे कि यहाँ पे आ गया अपराइट पोस्चर, ये क्या करता है, हेल्प्स अ लिसनर्स कंसंट्रेशन। ये जो लिसनर है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, कंसंट्रेट करने में इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट, हेल्प्स द लिसनर इन कंसंट्रेशन। और थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव साइन फॉर द स्पीकर, कि ये जो अगर आप सही पोस्चर में बैठे होंगे तो जो स्पीकर है, जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, इट इज़ सीन बाय द स्पीकर टू बी अ पॉजिटिव फीचर अमंगेस्ट हिज लिसनर्स, कि ये जो पोस्चर है वो क्या है, पॉजिटिव फीचर है किसके लिए, स्पीकर के लिए। तो यही हमने बना दिया है कि पॉजिटिव साइन फॉर द स्पीकर, कि ये स्पीकर के लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है अगर एक लिसनर जो है वो अच्छे पोस्चर में बैठा है। फिर अगर बात करें इस पूरे पैराग्राफ के टाइटल की, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पैराग्राफ किस बारे में, इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में है, और उसके क्या इम्पैक्ट हैं लिसनर के ऊपर और स्पीकर के ऊपर। तो ये देखिए मैंने इसको टाइटल दे दिया, टाइटल इफ़ेक्टिव लिसनिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन स्पीकर एंड लिसनर। तो अगर हम बात करें इसके बाद समरी की, तो समरी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समरी में हम ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हमने जो यहाँ पे हेडिंग्स बनाए हैं हम समरी को समरी में भी उनको ही इंक्लूड करें। देखिए अब समरी को देखते हैं। समरी ये प्लस टू क्लास में आएगी, प्लस वन वालों को समरी लिखने के लिए नहीं आती है, प्लस वन वालों को सिर्फ ये नोटिस के ऊपर ही, नोट मेकिंग के ऊपर ही फोकस करना है। तो जहाँ तक बात करें सब हम समरी की, तो ये देखिए पहला पॉइंट हमने क्या बनाया था, इफेक्टिव लिसनिंग। तो हम यहाँ पे देखिए लिख देंगे, इफेक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। तो हमने ये देखिए लिखा था कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। ये देखिए, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बींग, ये क्वेश्चन पेपर से भी उठाया है। और ये देखिए, इट टेक्स एनर्जी टू कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने दोबारा लिख दी है। Those who do not listen properly fail in number of ways, कि जो अच्छे से नहीं सुनते हैं वो
बहुत से कारणों से जो है वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन कैन बी अटेंड बाय बीइंग फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट। क्या कंसंट्रेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है, अटेंड किया जा सकता है, जब हम फिजिकली और मेंटली जो है वो अलर्ट रहेंगे। करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ बॉडी लिम्स एंड हेड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये लाइन ये देखिए यहाँ से उठाई हमने कि जो पोस्चर है वो क्या करता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। तो यही लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है। द अपराइट पोस्चर ऑफ अ लिसनर इज सिग्निफिकेंट फॉर इम्प्रूविंग लिसनर्स कंसंट्रेशन। और जो अपराइट पोस्चर है जैसे कि नोट मेकिंग में हमने लिखा है, वो लिसनर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है उसकी कंसंट्रेशन को। एंड ऑल्सो फॉर मोटिवेटिंग द स्पीकर, और ये स्पीकर को भी मोटिवेट करता है, जैसे कि यहाँ लिखा है पॉजिटिव साइन फॉर द स्पीकर, के स्पीकर के लिए पॉजिटिव साइन और उसको मोटिवेट करता है। तो ये इस पैसेज की नोट मेकिंग जो है वो ऐसे हमने बनाई है। तो आप भी इसकी और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको जो है ये आता जाएगा। तो अब कल एक और पैराग्राफ के साथ हम एक और नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको खुद इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।